चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन जिस तरह की राजनीति गुजरात में देखने को मिल रही है, ऐसा अरसे बाद इस तरह की पॉलिटिक्स, जिस तरह के गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर सीधे गुजरात से हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शाजिया इल्मी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, गन प्वाइंट पर उनके उम्मीदवार के नामांकन को वापस करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने, यह गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतने लाभ लश्कर के साथ वो नामांकन वापस करने के लिए पहुंचते हैं सीधे ईसीआई के दफ्तर? सीधा आरोप है आम आदमी पार्टी का, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, ये तो आरोप है आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज एक और बहुत बड़ी चीज हुई है, उसका चर्चा आप नहीं कर रही हैं अंजना जी। मैं आपको बता दूं वो खबर, हम लोग ने बहुत बड़ा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। मैं बताना चाहती हूं किस तरह से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 90 लाख रुपए की बाकायदा रिश्वत मांगी गई है। इसमें दो एमएलए के नाम है, अखिलेश त्रिपाठी का और एक और एमएलए का, और बाकायदा ये लिखित में ये जो उम्मीदवार थे उन्होंने लिख कर दिया है कि मतलब 85 लाख में से उन्होंने काफी पैसा ऑलरेडी दे दिया है, 35 लाख उनको और देना था इस कंडीशन पर कि उनको टिकट मिल जाएगा। अब उनका नाम क्योंकि आया नहीं है सूची पर, तो इस वजह से वो मना किया जा रहा है। और मुझे लगता है क्योंकि ये इतनी बड़ी चोरी की खबर और ब्राइबरी की खबर, रिश्वत खोरी की खबर आई है, इसलिए नहीं पर बात करूंगी, आप दंगल में शामिल बता रही हूँ, इसलिए जरा गुजरात पे देखिए। गुजरात से ये कार्यक्रम मैं कर रही हूँ शाजिया जी, हम आएंगे दिल्ली पर, आप खूब बोलिएगा, लेकिन चूंकि गुजरात से ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, अलग अलग जगहों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ, तो इस कार्यक्रम में अगर गुजरात को लेकर मैंने सवाल पूछा है तो मैं उसके भी आंसर की आपसे उम्मीद कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि आपने जो दावा किया है उसके दावे में क्या दम है, इस पर क्या है रिएक्शन आपका शाजिया जी? चित्रा जी, उस दावे में कोई दम नहीं है, इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये खबर सामने आई है, क्योंकि एमसीडी चुनाव में सीधे सीधे ब्राइबरी यानी कि रिश्वत का इल्जाम नहीं है, बाकायदा कागज हैं और जो जिससे लिए पैसे वो खुद आकर लिखित में दे रहा है, इसको इस बात को आए बाएं करने के लिए इसको तरजीह दी जा रही है। अगर इनका उम्मीदवार डर के मारे नहीं आता और वापस चला जाता है तो बताइए इसमें किसकी गलती है? और अगर इसका कोई लेना देना है तो अगर वो एमसीडी में जो रिश्वत खोरी है, सवाल तो बड़ा है, मामले को क्या आपका उम्मीदवार अगर डर के मारे नहीं आता है और अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है जो बातें वो कह रही हैं? चित्रा जी, आपको पत्रकारिता में दशकों हो गए और मुझे राजनीति के अंदर करीब 10 वर्ष हो गए। आप और हमने राजनीति के इस समय में कभी ऐसा देखा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो सीधी लड़ाई के अंदर है उसका उम्मीदवार अपना नामांकन वापस भी लेता है? हमने कभी नहीं सुना। नामांकन वापस कौन लेते हैं चित्रा जी? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो दूसरी पार्टियों से बागी होके आ जाते हैं, उनको फिर मान मनोबल होता है, पार्टियों से बातचीत होती है, कहा जाता है कि भाई तुम्हारे सम्मान का ध्यान रखेंगे, वो अपना नाम वापस लेते हैं, इसलिए नाम माफी लेने वाली जो वापस लेने वाली बात है वो चलती है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एक बेहद प्रसिद्ध उम्मीदवार हैं कंचन झरीवाल, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा, 2 साल से पार्टी के अंदर हैं, खूब जोर शोर से लगे हुए हैं, पार्टी से टिकट मांगा, दावेदारी रखी तो टिकट मिला। 15 तारीख को जिस दिन स्क्रूटनी थी चित्रा जी, बीजेपी के लोगों ने उनके जो प्रस्तावक थे उनके ऊपर दबाव बनाया पहले कि तुम ही ये कह दो कि हम इसके प्रस्तावक नहीं है, हमने ये साइन नहीं करे। उनके नॉमिनेशन को कैंसिल करने की पूरी कोशिश की, जहां पे कंचन भाई जारीवाल उनके साथ लड़े, अगर उन्हें वापस लेना होता तो वही नहीं लड़ते, वो कहते हाँ ठीक है ये प्रस्तावक झूठे थे, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, वो तो अपने आप ही बच रहे थे। नहीं, वो लड़े, उन्होंने बोला नहीं मेरा नॉमिनेशन बिल्कुल ठीक है, मेरे प्रस्तावकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मगर उसके बाद क्या हुआ, उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ और वो गायब हो जाते हैं। आप बताइए चित्रा जी, अगर किसी को नॉमिनेशन वापस हो जाता है और लेना होता है, उसको एक बार अपने हाथ से चिट्ठी लिख के भेजनी है, उसका नॉमिनेशन वापस हो जाएगा, उसको कोई ये सब नहीं करना पड़ता, उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं, हम उनकी अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, इलेक्शन कमीशन जाते हैं, और फिर क्या होता है, 500 पुलिस वालों की सिक्योरिटी के अंदर जोर जबरदस्ती करके गुंडे उनको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ला रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे,
वो दबाव में दिख रहे हैं, वो रो रहे हैं और उनका नॉमिनेशन वापस हो जाता है और अब वो दोबारा गायब हो गए हैं चित्रा जी। अब उनका फोन स्विच ऑफ है, उनसे कोई बात नहीं कर पा रहा, कोई उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इस तरीके से क्या देश के अंदर प्रजातंत्र चलेगा? सौरभ जी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? चित्रा जी छोटी सी बात में कहना चाहूंगी। अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगी, शाजी आपकी बातों पर कुछ जवाब देना चाह रही है। शाजी जी उनका फोन स्विच ऑफ है, किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस वाले घेर कर उनको लेकर सीआई दफ्तर पहुंचते हैं, तो ये सब कुछ साधारण तो नजर नहीं आता है ना, जैसा कि सौरभ आरोप लगा रहे हैं। मैंने सब सुन लिया जी, जी मैंने पूरा सब सुना और अब उसको रिपीट करने से टाइम भी बहुत ज्यादा जाया होता है। देखिए चित्रा जी जो सब इल्जाम लगा रहे हैं, मैं सौरभ जी से पूछना चाह रही हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि जो उन्होंने पैसा प्रॉमिस किया था गुजरात में, जो भी उनसे वसूली कर रहे थे, वो पैसा उन्होंने वापस नहीं दिया, इसलिए उनको खुद ही अगवा कर लिया गया है? जैसा कुछ ऐसे ही हुआ है दिल्ली में एमसीडी चुनाव में, शोभा जी जी, जी, जी उनको उन्होंने जी, उनका नाम दिया नहीं गया था, आप कह तो 35 लाख रुपए दिया नहीं था गुजरात? सौरभ जी ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने आपके जो मित्र हैं, आपके जो मित्र हैं जिनके लिए आप रो रहे हैं अभी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? आप नहीं, मुझे बोलने दीजिए, घबरा क्यों रहे हैं आप? जवाब देने दीजिए। आपके वक्त में मैंने बोली चित्रा जी आपको उनको रोकना पड़ेगा? चित्रा जी एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं, इनसे बता दीजिए। मैंने इनकी बात सौरभ जी की बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप चित्रा जी से पूछिए। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? बोलिए बोलिए। कुछ ऐसा नहीं हुआ जो रोते हुए विधायक जिसको ये कह रहे हैं अगवा हो गए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने इनके मुनासिब रिश्वत नहीं दी इनको, और इस डर के इस डर से और खिसियाहट के वजह से उन्होंने उनको अगवा कर लिया है? ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको उनको अगवा इसलिए कर लिया गया है क्योंकि वो उनको पूरे पैसे नहीं दे पाए? क्योंकि ऐसे ही मामला दिल्ली में आया है सौरभ जी, अगवा खुद कर रहे हैं आप, पैसे वसूली खुद कर रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा पर, वही तो आपका जो पूरा खेल है कैश फॉर टिकट, ठीक है वो तो नहीं।